Human reproduction part hey everyone welcome back to my channel let's continue with the human reproduction in the last video we have started with the male reproductive system and in the previous video we have already covered about the scrotum and the testes which are the parts of the male reproductive system system in this particular video we will mainly focus on epididymis fossa differentia ejaculatory ducts urethra and panic so let's discuss uh, epididymis firstly सो स्टार्टिंग विद द एपिडिडमस नाउ द क्वेश्चन अराइसिस वॉट इज एपिडिडमस अभी एपिडिडमस क्या है द एपिडिडमस इज मास लॉन्ग नैरोलोज द कॉइल्ड ट्यूब्यूल विच लाइज अलॉन्ग द इनर साइड ऑफ ईच टेस्टिस टेस्टिस के इनर साइड पर एक कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर है उस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे एपिडिडमस अभी जो एपिडिडमस है न इसके थ्री पार्ट्स हैं द फर्स्ट पार्ट इज कैपट एपिडिडियम एपिडिडमस सेकेंड इज द कॉर्पस एपिडिडमस एंड द लास्ट इज द कॉडा एपिडिडमस विच इज द पुस्टीरियर पार्ट सो स्टार्टिंग विद द कैपट कैपुट एपिडिडमस ये इंटीरियर पार्ट है टेस्टिस का ठीक है और यहाँ से जो वासाई फ्रिंशिया है वो ओपन करती हैं ओपन होती हैं ठीक है कैपुट एपिडिडमस से वासाई वासाइफरेंशिया ओपन होती है और ये टेस्टिस का इंटीरियर पार्ट है ठीक है नेक्स्ट पार्ट है एपिडिडमस का विच इज द मिडल पार्ट ऑफ द एपिडिडमस एंड इट इज नोन एज द कॉर्पस एपिडिडमस एंड द पुस्टीरियर एंड ऑफ द एपिडिडमस इज कॉल्ड एज कॉडा एपिडिडमस ठीक है सो अब हम इसको डायग्राम uh, के थ्रू समझते हैं सो हेयर इज द डायग्राम विच रिप्रजेंट द मीडियम लॉन्गिटि सेक्शन ऑफ द मेमिलियन टेस्टिस यहाँ पे हमें क्लियरली विजिबल होगा कि एपिडिडमस एपिडिडमस का ये कैपुट वाला एपिडिडमस जो कि कैपलाइट स्ट्रक्चर है दिस पार्ट रिप्रेजेंट द कैपट एपिडिडमस सेकेंड आ जाता है मिडल पार्ट विच इज नोन एज द कॉर्पस एपिडिडमस ठीक है और यहाँ पे जो पुस्टीरियर पार्ट है उस पार्ट को हम बोलेंगे कॉडा एपिडिडमस विच इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एपिडिडमस रिमेंबर कैपिट Corpus and Cauda, which are these three parts, constitute the epididymis, which is a mass of long, narrow, coiled, coiled tubule structure and lies along the inner side of the testis. theek hai अब हम epididymis के function की बात करते हैं कि epididymis का mainly function क्या है? सबसे सब, सब सबसे पहले इसका function है कि sperms जो है ना उसको store करके रखता है ठीक है और ये सिक्रीट करता है फ्लूइड जो कि स्पर्म्स की नरिशमेंट में अपना रोल प्ले करता है ठीक है तो बेसिकली क्या काम एपिडिडिमस का क्या काम हो गया कि वो स्पर्म्स को स्टोर करेगा और स्टोर करने पे जो उसको नरिशमेंट चाहिए वो प्रोवाइड करेगा वो एक फ्लूइड सा सिक्रीट करेगा ठीक है सो दिस वॉज अबाउट एपिडिडमस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द वासा डिफरेंशिया ठीक है अब वासा डिफरेंसिया क्या है द डिफरेंस इमर्जिस फ्रॉम द कॉडा एपिडिडमस ऑन ईच साइड एंड लीव्स द स्क्रॉटल सैक एंड एंटर्स द अबडोमिनल कैविटी थ्रू इंग इंग्विनल कैनाल अब ये जो वासा डिफरेंस है ना ये कॉडा एपिडिडमस जो कि पोस्टीरियर पार्ट है एपिडिडमस का उससे निकलती है और ये स्क्रॉटल सैक से निकल के अब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है किसके थ्रू इंग्विनल कैनाल के थ्रू ठीक है अब ये आगे जाके वासा डिफरेंस क्या करती है ये वासा डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जाके लूप सराउंड हो जाती है जहाँ पे जाके वो सेमिनल डक्ट के साथ जॉइन करके इजेकुलेटरी डक्ट बनाती है मतलब वासा डिफरेंशिया लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज जॉइंड बाय द डक्ट फ्रॉम वेयर द सेमिनल वेसिकल टू फॉर्म इजेकुलेटरी डक्ट अब वासा डिफरेंशिया जब यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर जाके लूप सराउंड हो जाती है वहाँ पे ये सेमिनल वेसिकल साथ जुड़ती है और ये दोनों मिलके सेमिनल वेसिकल और वासा डिफरेंस मिलके इजेकुलेटरी डक्ट बनाते हैं जो कि नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट exactly एग्जैक्टली इजेकुलेटरी डक्ट इज ठीक है थीके? अब ये वासा डिफरेंश क्या क्या काम है ये कैरी करती है स्पर्म्स को ठीक है अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं अब ये देखो हेयर इज द डायग्राम अब जो वासा डिफरेंस है ये कॉडा एपिडिडमस विच इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एपिड उधर उधर से निकल रही है देखो ये देखो निकल रही है दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द वासा डिफरेंस ठीक है और ये स्क्रॉटल वॉल स्क्रॉटल सैक से निकल के एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है किसके थ्रू इंग्विनल कैनाल के थ्रू ठीक है और सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस दोनों ज्वाइन करके इजैकुलेटी डक्ट बनाते हैं ठीक है सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी तक हमने पढ़ लिया रेटेटेस्टिस वासा इफरेंशिया एपिडिडिमस और वासा डिफरेंशिया ये जो चारों स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इनको हम बोलेंगे मेल सेक्स अ, मेल सेक्स असेसरीडक् और इनका क्या काम है ये स्पॉम्स को स्टोर करके रखेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे इस को फ्रॉम टेस्टिस टू तो आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा मतलब ये जो रेटे वासा वासाइफरेंशिया एपिडिडमस वासा डिफ्रेंशिया ये चारों को हम क्या बोलेंगे मेल सेक्स असेसरीडक्स और इनका क्या काम है कि इस पॉम्स को स्टोर करेंगे और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे ठीक है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल इज इजैकुलेटरी डक्ट अब हम इंभी हमें पीछे पड़ा कि सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंशिया जब आपस में जुड़ती हैं तो इजेकुलेट्री डक्ट बनाती है अभी इजैकुलेटरी डक्ट हैं क्या एक्चुअल में दे आर द टू शार्ट ट्यूब ये दो शॉर्ट ट्यूब्स है जो किसकी वजह से बनती है यूनियन ऑफ द डक्ट फ्रॉम अ सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस जब आपस में जुड़ते हैं ना सो दे दे टूगैदर फॉर कॉन्स्टिट्यूट द इजेकुलेटि डक्ट अब ये जो इजैक्युलेटरी डक्ट है ना so they, they, they दे पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड ये प्रोस्टेट ग्लैंड में एंटर करता है जब हम मेल के आगे जब पढ़ेंगे ना ग्लैंड तो उसमें आएगा ये तो तब क्लियर हो जाएगा कि वॉट इज प्रोस्टेट ग्लैंड अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है इट पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड और वहाँ पर ये प्रोस्टेक्टिक पार्ट जो यूरिथ्रा का प्रोस्टेटिक पार्ट है यूरिथ्रा के थ्री पार्ट्स होते हैं प्रोस्टेड मेम्बरेनस पार्ट प्रोस्टेड मेम्बरे पिनाइल यूरिथ्रा तो उसका जो यूरिथ्रा का प्रोस्टेटिक पार्ट है ना वहाँ पर जाके ज्वाइन कर देती है ठीक है और ये किससे बना हुआ है जो इजेकुलेटरी डक्ट्स है ना दे आर द कंपोस्ट ऑफ फाइब्रस मस्कुलर एंड कलमनर एपिथिलर टिश्यू से ये जो इजेकुलेटरी डक्ट्स है ये बनी हुई है सो so, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स द इजेकुलेटरी डक्ट सो हेयर इज द ये जो ये जो स्मॉल ट्यूब्स है ना ये वाली और ये वाली दे, ये दोनों ट्यूब्स किसको रिप्रेजेंट करिए इजेकुलेटरी डक्ट जो किसकी यूनियन से बन रही है वास डिफ्रेंशियो और सेमिनल वेसिकल की यूनियन से बन रही है इजेकुलेटरी डक्ट ठीक है अब ये जो इजेकुलेटरी डक्ट है ये एंटर करती है प्रोस्टेट पार्ट में ठीक है अब ये पास करती है प्रोस्टेट प्लान से और वहां पे जा और वहां पे जाके प्रोस्टेटिक पार्ट जो यूरिथ्रा का पार्ट है उसके साथ कनेक्टेड हो जाती है और इजेकुलेटरी डक्ट क्या क्या काम है ये स्पॉम्स को कैरी करते हैं और सिक्रेशन करते हैं सेमिनल की ठीक है सो दिस वाज़ अबाउट इजेकुलेटरी डक द नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट इज यूरिथ्रा अभी जो यूरिथ्रा ना ये कॉमन पाथवे प्रोवाइड करता है मेल के केस में फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमेंट मतलब यूरिथ्रा से सीमन भी बाहर जाता है जो कि स्पॉम है और यूरिन भी यूरिथ्रा के थ्रू ही आउटसाइड जाता है ठीक है अब ये ये जो यूरिथ्रा की लेंथ है ना ये मेल के केस में सबसे ज़्यादा है विच इज़ अबाउट ट्वेंटी सेंटीमीटर देन इन द फीमेल ठीक है ये यूरिथ्रा की जो लेंथ है मेल में सबसे ज़्यादा है मेजरिंग अबाउट ट्वेंटी सेंटीमीटर यूरिथ्रा के थ्री पार्ट्स हैं विच आर एज फॉलोअर्स द फर्स्ट पार्ट इज सराउंडेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इट इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा जो यूरिथ्रा का फर्स्ट पार्ट है वो प्रोस्टेट ग्लैंड को सराउंड करता है इसीलिए उसका नाम रखा रख दिया प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा और ये जो अराइज ये कहाँ से होता है यूरिनरी ब्लैडर से अराइज़ करता है और इसका क्या काम है ये जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा का काम है इसने इसके थ्रू सिर्फ यूरिन ही बाहर निकलता है इट कैरीज यूरिन ऑनली ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट प्रोस्टेटिक पाथ इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं सो हेयर इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा यहाँ पे ये प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है कहाँ से राइज हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर से राइज हो रहा है ठीक है और ये कहाँ पे एंटर कर रहा है किसको सराउंड किया हुआ है इसने प्रोस्टेट को सराउंड किया हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड को सराउंड किया हुआ है इसलिए इसका नाम प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा है और इसके थ्रू सिर्फ यूरिन ही निकलता है यूरिन ही पास मतलब यूरिन को ही कैरी करता है ये ठीक है और अराइज कहाँ से हो रहा है ये यूरिनरी ब्लैडर से अराइज हो रहा है सो दिस पार्ट्स रिप्रेजेंट द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मेल यूरिथ्रा द सेकेंड पार्ट इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा विच इज सिचुएटेड बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ प्यूबिक सिंफेस द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इज़ द स्मॉलेस्ट यूरेथ्रा अब जो सेकेंड पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है ठीक है और ये कहाँ पे मतलब सिचुएटेड है इट इज सिचुएटेड बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिंफेसिस इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं So, this part represents the membranous urethra. This this smallest part, and which is situated behind the lower end of the lower part of the pubic symphysis, and it is the smallest part. So, this smallest part is uh, uh, male urethra ki case. Mein. सो द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा इज द पिनाइल यूरिथ्रा एंड विच इज सिचुएटेड इन द पेनिस अब जो थर्ड पार्ट है मेल यूरिथ्रा का वो है पिनाइल यूरथ्रा यूरेथ्रा और ये कहाँ पर प्रेजेंट है पेनिस के पास प्रेजेंट है अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं सो हेयर इज द थर्ड पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा विच इज द पिनाइल यूथ्रा एंड इट इज सराउंडेड एंड इट इज सिचुएटेड इन द पेनिस पेनिस में जो यूरेथरा प्रेजेंट है उसको हम पिनाइल यूरथ्रा बोलेंगे ठीक है प्रोस्टेट में जो प्रेजेंट थी प्रोस्टेट ग्लैंड को जो सराउंड करता था उसको हमने प्रोस्टेटिक यूरेथरा बोला था और जो स्मॉलेस्ट पार्ट है विच इज सिचुएटेड बिहाइंड लोअर पार्ट ऑफ द प्यूबिक सिंसिस उसको हमने मेब्रेनियस यूरिथ्रा बोला ठीक है अब हम नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यूरिथ्रा में यूरिथ्रा के केस में कि वहाँ पे दो यूरिथ्रल स्पिंटर प्रेजेंट प्रे, प्रेजेंट है जिसका नाम है इंटरनल स्पिंस्टर और एक्सटर्नल स्पिस्टर सबसे पहले हम इंटरनल स्पिंस्टर की बात करते हैं अब इंटरनल सिस्टम में स्पिंस्टर में क्या है इट कंसिस्ट अ स्मूथ मसल फाइबर सिचुएटेड एट द नेक ऑफ द ब्लैडर अबव द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट है जो कि ब्लैडर के नेक पे सिचुएटेड है ठीक है वहाँ पे कौन सी मसल uh, स्विंस्टर प्रेजेंट है इंटरनल स्विंस्टर विच कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल स्विंस्टर की विच कंसिस्ट ऑफ स्टायरेटेड मसल फाइबर्स और ये किसको सराउंड करती ये part, है ये मेम्ब्रेनस पार्ट जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट है यूरेथ्रा का विच इज द सेकंड एंड मिडल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा उसको सराउंड करते हैं कौन सराउंड करता है एक्सटर्नल स्विंस्टर ठीक है सो रिमेंबर कि जो इंटरनल स्विंस्टर है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट है ठीक है और जो एक्सटर्नल स्पिंस्टर है वो आ, किसको सराउंड करता है यूरथ्रा के मिडल पार्ट को विच इज़ द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा ठीक है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा ना ये दोनों यूरिन और सीमन कैरी करते हैं ठीक है अब हमने जब प्रोस्टेटिक यूरथ्रा पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ क्या कैरी करता है वो सिर्फ यूरिन कैरी करता है बट जो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा और पिनाइल यूरिथ्रा ना ये यूरिन भी कैरी करता है और सीमन भी कैरी करता है ठीक है अब जो एक्सटर्नल ओपनिंग है ना यूरिथ्रा की उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे, बोलेंगे यूरिथ्रल मीटर ठीक so, है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूरिथ्रा ऑफ द मेल द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन इज पेनिस अभी जो पेनिस है ना इट इज़ द मेन कॉपुलेट्री ऑर्गन ठीक है ये मेल के केस में कॉपुलेटरी ऑर्गन है ठीक है एट द टिप ऑफ द ग्लान पेनिस इज द स्लिट लाइक ओपनिंग कॉल एक्सटर्नल यूरिथर ऑरिफाइज जिसको यूरिनो जेनिटल अपर्चर भी बोलते हैं अब पेनिस की टिप पे एक स्लिट एक स्लिट लाइक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको हम एक्सटर्नल यूरिथर ऑरिफाइज भी बोलते हैं यूरिनो जेनिटल अपर्चर भी बोलते हैं यूरिनो जेनिटल अपर्चर इसलिए इसको बोला गया क्योंकि यहाँ से यूरिन भी बाहर जाता है और जो स्फॉर्म्स है वो भी बाहर जाते हैं इन द फीमेल ट्रैक्ट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ठीक है अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिस के केस में द पेनिस इन एडिशन टू कंडक्टिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी ट्रांसफर सीमन इन टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल ड्यूरिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स ठीक है अब सेक्शुअल अब पेनिस का ये तो काम है ही है कि वो यूरिन को कंडक्ट करती है बॉडी में से बॉडी में से यूरिन को रिमूव बाहर निकालती है यूरिन को बाहर निकालने के साथ साथ वो सीमन जो है सीमन जो कि स्पर्म है उसको कॉपुलेशन के टाइम पे मतलब सेक्शुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ट्रांसफर करने में हेल्प करती है इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ठीक है सो इट इज़ द मेल कॉपोलेटरी ऑर्गन अब हम आगे बात करते हैं पेनिस में कि द पेनिस कंसिस्ट ऑफ थ्री सिलेंड्रिकल मासिस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू अब जो पेनिस है ना ये तीन सिलेंड्रिकल मासिस जो है इरेक्टाइल टिश्यू की जो थ्री सिलेंड्रिकल मासिस उससे बना हुआ है कौन कौन से है टू डॉसल कॉर्पोरा केवरनोसा और वन वेंट्रल कॉरपोस स्पॉन्जिओसम टू रिमेंबर टू प्लस वन थ्री पार्ट्स हैं टू डॉर्सल में है जो कि कॉर्पोरा केवनोस है और वन वेंट्रल में जिसको क्या बोलते हैं कॉर्पस पोंजिओसम ठीक है ये जितनी भी बॉडीज़ है कॉर्पोरा केवनोस और कॉर्पस पेंजी से इसको किसने सराउंड किया हुआ इसने इसको फाइब्रस टिश्यू ने सराउंड किया हुआ है अब आगे हम बात करते हैं कि जो कॉर्पस पोंजिओसम है ना विच कंटेन्स द पिनाइल यूरिथ्रा इज़ एन लार्ज एंड ऑफ द पेनिस टू फॉर्म ग्लैंड पेनिस ठीक है अब कॉर्पस पोंजियोसम आगे जाके एनलार्ज जो कि क्या बना देता है ग्लैंड पेनिस इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं सो हेयर इज द डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स द वेंट्रल व्यू ऑफ द पेनिस सो टिपे क्या प्रेजेंट है ग्लैंड पेनिस ठीक है विच इज द एनलार्ज पार्ट ऑफ द कॉर्पोरा कॉर्पस पोंजियोसम अब तीन इरेक्टाइल टिश्यू से बना हुआ है दो वेंट्रल दो डॉर्सल में और एक वेंट्रल में ठीक है ये देखो टू ये ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये किस ये डॉर्सल है विच इज नो विच इज द कॉर्पोरा क्लेवरोसा एंड वन वेंट्रल विच इज अ कॉर्पस पोंजिओसम और कॉर्पस पॉन्जियोसम इन लाज के क्या बना रहा है टिप्पे ग्लैंड पेनिस बना रहा है ठीक है सो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द वेंट्रल व्यू ऑफ द पेनिस अभी जो ग्लैंड पेनिस है इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन द प्रप्यूज और फोर स्किन ग्लैंड पे पेनिस को एक स्किन की फोल्ड ने कवर किया हुआ है जिसको क्या बोलते हैं प्रीप्यूज और फोर स्किन और सेक्शुअल अराउजल के टाइम में मतलब जब कॉपोलेशन के टाइम पे व्हेन मेल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फीमेल उस दौरान जो थ्री बंडल्स है टिश्यू के ये जो हमने पढ़े कॉर्पोरा कार्पोरा वर्नोसर कॉर्पस पॉन्जिओसम दे बिकम एंग्रोस्ड मतलब इसमें ब्लड फिल हो जाता है कब ब्लड फिल हो जाता है ड्यूरिंग सेक्शुअल अराउजल और द ड्यूरिंग कॉपुलेशन के टाइम पे यहाँ पे ब्लड फिल हो जाता है ठीक है सो बेसिकली यहाँ से देखा जाए जो जो पैनिस का क्या फंक्शन है कि इट कैरीज बोथ यूरिन एंड स्पॉम ये यूरिन भी कैरी करता है और स्पॉम को भी कैरी करता है ठीक है स्पॉम इन द एट द टाइम ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स सो so, ये देखो ग्लैंड पेनिस के ऊपर एक लूज फोल्ड है स्किन का जिसको क्या बोलते हैं प्री पेरीप्यूस या फोर स्किन इसको कवर ग्लैंड पेनिस को कवर करा हुआ है फोर स्किन ने ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पैनिस ठीक है इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेल असेसरी ग्लैंड कंसिस्टिंग ऑफ थ्री पार्ट सेमिनल वेसिकल बल्बो यूरिथरल पार्ट और प्रोस्टेट uh, ग्लैंड ये तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे till then stay tuned to my channel i hope you like this video and if you did then please don't forget to subscribe like share and comment thank you